गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है आपका लास्ट पार्ट, पार्ट आपके 8। अभी तक हमारा सीरीज चल रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, राइट। उसमें हमने बहुत सारी चीज देखे हुए हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट जोन्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करना है रियल मार्केट पे, राइट। तो आज का आपका वीडियो है कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को स्टॉक के लिए यूज करेंगे, शॉर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए, राइट। एंड ये आपके लास्ट वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेलिस्ट के। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके सारा चीजें देख सकते हैं। तो सिंपल से हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पे टाटा स्टील, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलते हैं टाटा मोटर्स पे, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे जस्ट देखा एक, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक रेजिस्टेंस है आपका। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं ये रेड कैंडल के लो के नीचे। इसके लो के नीचे क्या होगा, मैं सेल करूंगी, इसके हाई के ऊपर मेरे स्टॉप लॉस होगा। देखिए फॉलिंग विंग एवरेज भी है एंड 1:3 क्या होंगे आपके टारगेट होंगे, राइट। तो ऐसे करना है रेजिस्टेंस को यूज हमको स्टॉक्स पे शॉर्ट करने के लिए, राइट। है बड़ा सिंपल, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। इस कारण मैं थोड़ा सा और बनाया आप लोगों के लिए कुछ वीडियो की स्टॉक पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद आपको इंडेक्स में बताया कि कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा करना है। अब हम लोग जाते हैं हमारे वापस स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी क्या थे हमारे, 50 MA वाले थे। सबसे पहले हम लोग 50 MA वीकली पे देखते थे, राइट। तो यहाँ पे हमने वीकली ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जब से फॉलिंग होना स्टार्ट हुआ तब से मैं क्या करता हूँ, ऐसा मार्क कर देता हूँ, राइट। ये मैंने मार्क ऐसा कर लिया, एक्सटेंडेड कर देते हैं यहाँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा क्या कैसा मेरे को सेल के लिए ट्रेड मिल रहा है, देखते हैं हम लोग, मजा आने वाला है। ऐसा जब हम लोग कुछ नया चीज सीखते तो आप लोग ऐसा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आती है, नहीं आती है कि आज चलो कुछ नया जानने को मिलेगा, समथिंग ऐसा। देखते हम लोग कि कैसा कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, क्या रेजिस्टेंस में मेरे को शॉर्ट मिलता है क्या। यहाँ पे आपका नहीं है, यहाँ पे भी आपके नहीं है, एक आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं एक कुछ जोन बनाना चाहूँ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मन से मिनट ये देखिए जोन बनाऊंगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे ऐसा शॉर्ट कर सकते हैं, फॉलिंग है आपका प्रॉपर, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो के नीचे, राइट। देख आपको ट्रेड मिले ऐसा, और देखते हैं हम लोग और दो ट्रेड आपके 900 मिनट, यहाँ भी नहीं है, एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ऐसे चैनल ड्रॉ करूंगा, ये ऐसा इस चैनल पे क्या कर सकते हैं, आप ऐसा ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो एक आपके यहाँ ट्रेड मिले, देखिए ये आपके बेरिश कैंडल के लो के नीचे क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा एंड 1:3 क्या होंगे मेरे टारगेट होंगे। तो ऐसा क्या करना है, हमको ट्रेड करना है, आपको स्ट्रेटजी से अलग जाना ही नहीं है, उसी 50 MA को लेके जो हमारा पुराने स्ट्रेटजी, उसी में हम लोग कैसे ऐड करके कुछ मल्टीपल कंफर्मेशन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं ताकि हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़े, राइट। तो ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के प्लेलिस्ट, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही देखे, रैंडम कहीं पे भी स्विच ना करिए, एंड जैसे आप लोग देख रहे हैं ना वैसे ही जाके प्रैक्टिस करते जाइए, तब आप लोगों को चीजें क्लियर होते जाएंगे, राइट।
तो हम लोग मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक में, राइट। होप आप लोगों को क्लियर होंगे कि कैसे सिंपल तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, मार्केट पे कुछ रिटर्न बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।